गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी इम्प्रेस. है ना, लास्ट चैप्टर में भी हमने इम्प्रेस ही पढ़ा था बेटा, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं वो हम सीख रहे थे. पर हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि ओपन ऑफिस का क्या इसमें फायदा है, ओपन ऑफिस में इम्प्रेस करने का. ओपन ऑफिस एक आपका फ्री सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में हम पूरा सीखेंगे कि ओपन ऑफिस के क्या फायदे हैं जब हम उसको इम्प्रेस में करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इम्प्रेस. हम क्या सीखेंगे कि इम्प्रेस का यूज क्यों हम करते हैं. क्रिएट एंड कंपाइल अ टेक्स्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन. हम टेक्स्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं वो हम क्रिएट करना सीखेंगे, उसको कंपाइल करना सीखेंगे. और प्रेजेंटेशन जो हमारी बन चुकी होती है उसमें एडिटिंग कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से करते हैं. डियर फ्रेंड्स, डू यू रिमेम्बर द एडवेंचर ऑफ फाइव चार्म्स ऑफ योर इंग्लिश बुक. एक तो आपकी पोएम है इंग्लिश बुक में फाइव चार्म्स, एडवेंचर ऑफ फाइव चार्म्स. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फाइव चार्म्स कौन से होते हैं. निशित, बसंती, आर्या, नोडी एंड बिल. सेव लाइफ ऑफ आंट, वो आंट की लाइफ बचाते हैं. स्टेफनी फ्रॉम अ हैकर, एक हैकर से. दे ट्रैप्ड द हैकर विद द प्रेजेंस ऑफ देयर माइंड. उन्होंने हैक किया, ट्रैप किया हैकर को कैसे, अपने माइंड की प्रेजेंस से. ओके, प्लानिंग फॉर विच दे वर रिवॉर्डेड बाय द सोसाइटी, और उसी की वजह से सोसाइटी ने उन्हें रिवॉर्ड दिया था. ओके, आंट आस्क्ड फाइव चर्म्स टू एजुकेट पीपल ऑफ द सोसाइटी सो दैट दे शुड नॉट बी ट्रैप्ड लाइक हर. आंटी ने बोला, आंटी ने उन फाइव चर्म्स को एजुकेट किया था कि सोसाइटी के बारे में, सो दैट इसीलिए ही वो शुड नॉट बी ट्रैप्ड लाइक हर. ठीक है, वो उसकी तरह ट्रैप्ड नहीं हो पाए, बच्चे ट्रैप नहीं हो पाए वो फाइव चर्म्स. ओके, शी वॉन्टेड दैट एवरीवन शुड बी सेंसिटाइज्ड अबाउट हैकिंग. हर एक को पता होना चाहिए, वो चाहती थी कि हर एक को हैकिंग के बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है जो मैं आज आपको दूंगी, व्हाट डू यू नो अबाउट हैकिंग. तो हैकिंग क्या होती है, हैकिंग का मतलब है जब कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके सिस्टम को असेस करता है, आपके डेटा को असेस करता है, तो वो हैकिंग होती है. ठीक है बेटा, तो हैकिंग इज द अनऑथराइज्ड असेस टू डेटा ऑफ अ सिस्टम. ओके बेटा, अब उसके बाद है आपका, इसमें आर्या एग्रीड टू आंट. आर्या जो है वो आंटी की बात से सहमत है. स्टेफनी रिक्वेस्ट एंड टोल्ड आंट दैट शी वुड बी मेकिंग अ प्रेजेंटेशन फॉर द सेम. तो आर्या ने बोला कि जो आंट है उसकी, वो भी एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रही है. वैसे ही आंट कहती है, प्रेजेंटेशन, व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन. आंटी कहती है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है. आर्या कहता है, प्रेजेंटेशन इज अ वे, प्रेजेंटेशन एक वे होता है टू शेयर द इंफॉर्मेशन इन राइटिंग यूजिंग इमेजेस एटसेट्रा. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने लास्ट चैप्टर में भी किया कि प्रेजेंटेशन क्या होता है. प्रेजेंटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो राइटिंग रिटन फॉर्मेट में, जैसे इमेजेस हो उनकी फॉर्म में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, उन्हें बोलते हैं प्रेजेंटेशन. ओके, विद द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ शेयर करते हो ना, और उसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो, उसमें आप इमेजेस यूज कर सकते हो, ऑडियो यूज कर सकते हो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए. ओके, फिर उसकी आंटी बोलती है, नॉट वेरी क्लियर, पर ये अभी क्लियर नहीं हुआ. आर्या कहते हैं, ओके आंट, वी विल टीच यू टू मेक ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन. मैं अब आपको सिखाता हूँ कि ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं. मैनी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन द मार्केट. कई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं. हाउ एवर वी विल क्रिएट प्रेजेंटेशन विद ओपन ऑफिस इम्प्रेस. लेकिन हम किस में क्रिएट करते हैं, ओपन ऑफिस इम्प्रेस में, जो फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर, अवेलेबल टू द इंटरनेट, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है. ओके, तो इसकी रिसर्च एक्टिविटी क्या है, फाइंड आउट एंड नेम सम इक्विवेलेंट सॉफ्टवेयर टू क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन फ्रॉम द इंटरनेट. एक तो आपका ओपन ऑफिस इम्प्रेस है, और आपको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स बताने हैं जिसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो. तो वो कौन सा होएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिख सकते हो आप यहाँ पे. ठीक है, और भी कई सारे होते हैं, नेट पे आप सर्च करोगे तो आपको बहुत मिलेंगे. ठीक है बेटा, उसके बाद है प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ स्लाइड्स. प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स होती है, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है. स्लाइड क्या है, अ स्लाइड इज लाइक अ पेज ऑफ अ बुक इन द डिजिटल फॉर्म. स्लाइड एक तरह से क्या होता है, पेज. जैसे हमने ओपन ऑफिस राइटर पढ़ा था तो उसमें क्या होता है, एक पेज होता है. वही इम्प्रेस में क्या होता है, उसी पेज को क्या बोलते हैं, स्लाइड. ओके, उसके बाद
आर्या कहता है वी कैन डिस्प्ले टेक्स्ट इमेजेस साउंड फाइल ऑन अ स्लाइड. हम डिस्प्ले कर सकते हैं टेक्स्ट को, इमेजेस को, साउंड फाइल्स को स्लाइड के अंदर. एक्सप्लेन शो केस अ कंसेप्ट, उसको एक्सप्लेन करने के लिए टॉपिक को. लेट मी शो यू हाउ टू क्रिएट अ बेसिक प्रेजेंटेशन. मैं तुम्हें शो करती हूँ कि हम बेसिक प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं. ओके, स्टेप वन, टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन ओपन ऑफिस इम्प्रेस. सबसे पहले हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस पे क्लिक करते हैं. फिर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है, जैसे ये आपके पास आया है. इसमें आप एम्प्टी प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हो तो आपका एक प्लेन पेज, खाली पेज ओपन हो जाता है. फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपका एक प्लेन पेज आपका इस वे में आएगा. भी आपको ये लेआउट चाहिए तो आपने ये लेआउट पे क्लिक किया, ठीक है, ये आपका लेआउट आ जाएगा. उसके बाद आपका उसमें आप इफेक्ट डालना चाहते हो, जैसे प्रेजेंटेशन विजार्ड में कि इफेक्ट डालना है तो कैसा इफेक्ट डालना है वो भी सारे आपके पास होते हैं. जैसे व्हील इफेक्ट डाला हुआ है तो व्हील से ऐसा आएगा, ठीक है. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन का. ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन एक एनिमेशन इफेक्ट है विच टेल्स, जो बताता क्या है कि कैसे स्लाइड अपियर होगी स्क्रीन पर. तो ये जो व्हील इफेक्ट हुआ है ना, ये ट्रांजिशन ही है, ठीक है. तो मतलब जैसे आपकी पिक्चर जब आएगी तो पिक्चर, अब ये व्हील है यानी कि व्हील में खुलेगी, इस तरह से खुलेगी पिक्चर, तो वो होता है आपका ट्रांजिशन. ओके, तो ट्रांजिशन का क्वेश्चन भी मैंने आपका डाला है, उसमें आपको करना है ये. ट्रांजिशन क्या होता है? एक एनिमेशन इफेक्ट जो क्या बताता है कि कैसे स्लाइड अपियर होगी स्क्रीन पर एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, सिंपल है. उसके बाद है आपका कि आपका ये ट्रांजिशन हो गया, ट्रांजिशन आपको समझ में आ गया बेटा. उसके बाद है आपका एनिमेशन का. एनिमेशन में आपका होता है कि आपको एक एक ऑब्जेक्ट पे कैसे करनी है. तो ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन करनी है, उसके लिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि हमें कस्टम एनिमेशन पता होनी चाहिए, है ना. कस्टम एनिमेशन क्या होती है? सबसे पहले हम जब पेज लेते हैं तो उसका लेआउट देखते हैं. लेआउट उसका कैसा होता है, ये देखो यहाँ पे लेआउट दे रखे हैं पेजेस के. ये लेआउट है जिसमें दो बॉक्सेस हैं, ये लेआउट जिसमें एक बॉक्स है, इसमें एक बॉक्स और उसके नीचे एक सब बॉक्सेस हैं. ये देखो ये ऐसे अलग अलग लेआउट है. तो आपको जो सा लेआउट चाहिए आपने उस पर क्लिक करना है, वो लेआउट यहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक है. फिर उसके ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हो. तो ये क्वेश्चन जैसे लेआउट का है, लेआउट के अंदर क्या क्या होता है. लेआउट कंसिस्ट ऑफ प्लेस होल्डर्स फॉर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स एंड चार्ट्स. ये भी क्वेश्चन मैंने आपके असाइनमेंट में डाला है, अच्छे से करना है बेटा, ठीक है. एक नई स्लाइड आप कैसे इंसर्ट करते हो वो भी यहाँ पे है. एक न्यू स्लाइड लेने के लिए आपका ऑप्शन क्या होता है? इंसर्ट पे जाके स्लाइड, ठीक है. इंसर्ट पे जाके स्लाइड पे क्लिक करते हो तो आपकी एक नई स्लाइड ओपन हो जाती है. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नेम्स लिखने हैं स्लाइड लेआउट्स के. तो स्लाइड लेआउट्स के नेम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, स्लाइड लेआउट्स के नेम. ये देखो जैसे ये है आपकी स्लाइड लेआउट्स के नेम. मूव अप, वाइप राइट, वाइप लेफ्ट, ठीक है, वाइप डाउन, ये तो आपके ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है. स्लाइड लेआउट आपकी ये होती है, जैसे टू बॉक्सेस में, थ्री बॉक्सेस में. ओके, तो इसमें आपको स्लाइड लेआउट्स के जो नेम लिखने हैं यहाँ पे, ये मैं आपको करवा दूंगी बेटा एक्टिविटी, ठीक है, करके भेज दूंगी मैं आपको. उसके बाद स्लाइड डिजाइन है कि आप स्लाइड के डिजाइन भी दे सकते हो. जैसे आप, जैसे हम लेआउट ले रहे हैं तो डिजाइन आपके इस तरह से आते हैं, जैसे ऊपर हेडिंग, उसके बाद जो सब हेडिंग्स होती हैं वो इस तरह से आएंगी, ऐसे बुलेट्स में, इस तरह से, इस तरह से मींस डिजाइनिंग में. ये होता है आपका स्लाइड डिजाइन. ओके, उसके बाद है आपका फॉन्ट स्टाइल, यानी कि फॉन्ट क्या होता है. जैसे आप टेक्स्ट लिखते हो तो आप उसको फॉर्मेट करके कलर देते हो, स्टाइल देते हो, साइज देते हो, तो वो आपका फॉन्ट स्टाइल होता है, यानी कि राइटिंग. फॉन्ट इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड वी कैन मेक प्रेजेंटेशन मोर इम्प्रेसिव. इससे आपकी प्रेजेंटेशन और इम्प्रेसिव होती है. ये आपका फॉन्ट स्टाइल देने वाला बॉक्स होता है. जैसे ये आपके फॉन्ट स्टाइल है जहाँ एल्बनी लिखा हुआ है, ये आपका साइज है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. ओके, यहाँ से अलाइनमेंट होती है आपकी, यहाँ से टेबल आती है. ओके, तो ये सारा आपके वही ऑप्शन है फॉर्मेट वाले, यानी कि फॉन्ट वाले. तो यहाँ से आपने जैसे स्माइली की पिक्चर ले ली, सैड की पिक्चर ले ली, इमोशनल एक्सपीरियंसेस के, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो. इंसर्ट पे जाके इमेज से. ओके, और
उसके बाद आपका ये ऑप्शन होता है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये बोल्ड के लिए होता है, इटैलिक अंडरलाइन, ये होता है शेडो, कि आप शेडो दे सकते हो, ये होता है स्ट्राइक दो, स्ट्राइक दो का मतलब कि आप कुछ लिख के उसके ऊपर कट यानी कि एक लाइन बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है पैराग्राफ यानी अलाइनमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया है कि सेंटर में कर सकते हो, लेफ्ट में, राइट में, जस्टिफाइड। अगर आपको प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो उसका ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस एस या फिर फाइल पर जाके सेव या सेव एज, ठीक है। उसके बाद आपका ओपन करना, सेम वही होता है, फाइल में जाके ओपन करना सेम, ठीक है। तो यही सब कुछ है इस चैप्टर में बेटा, यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है बेटा। तो अच्छे से इसको रीड करना बेटा, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगी। आज जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजी है वो आपने अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक पे करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।